हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम एस डी की व्लॉग्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। ये हमारे जीशान साहब हैं, ये पेड़ लगाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे कबूतरों के सेटअप के पास ये लंबा सा गमला बना रहे हैं, वहाँ से स्टार्ट है, वहाँ से ले गए यहाँ तक का पूरा घेरा पेटी तक। अब इसमें हम लोग अभी आज मट्टी भर रहे हैं, इसे गीला करके फिर पेड़ लगाएंगे इसमें। अब चलते हैं गमले के लिए। हम लोग नीचे से मट्टी लेके आते हैं, नीचे से मट्टी उठाते हैं सब। जीशान और सैफ उठा रहे हैं मट्टी, ये इधर से यहाँ अंदर मट्टी को चादर से रख रखी हम लोगों ने, यहाँ पर मट्टी रखी हुई पूरी। तो मट्टी हम लोग ले लेके जा रहे हैं गमले में डालने। उधर उस जगह हमारी मुर्गियाँ टहल रही हैं, वो हमारी मुर्गियाँ टहल रही हैं उधर वहाँ पर। ये सब यहाँ से मट्टी निकाल लें इसमें से, ऊपर ले लेके जाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी लेके जाओ, ज्यादा ज्यादा नहीं। अब एक बार हम लोग इसमें मट्टी डाल चुके हैं, अब पानी डाल लें हमें इसको बैठाने के लिए। फिर इसमें एक बार और ऊपर से मट्टी डालेंगे थोड़ी सी, फिर ये तैयार हो जाएगा हमारा गम की आरी बड़ी सी। फिर इसमें 4-5 दिन के बाद हम लोग ला के फूल वूल लगाएंगे। अभी तो रोज़ सुबह खाली पानी डालेंगे फिलहाल, ताकि अंदर तक मट्टी सोख ले पाने बढ़िया से। चलो पलटो मट्टी, पलटो पूरे, पलटो धीरे धीरे। अब ये क्यारी हमारी तैयार, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी लग रही है धीरे धीरे। अभी हमारी क्यारी तैयार, बस लगभग अब हमारी क्यारी का काम पूरा हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारे मुस्कू आ गए हैं क्यारी में, क्यारी का काम पूरा हो चुका। हमने जब क्यारी का काम पूरा किया तो देखा एक वीडियो मिली हमें, हमारे लक्के कबूतरों ने अंडा दे रखा है। अभी आपको हम दिखाते हैं इसमें, देखिए वो हमारे लक्के कबूतर बैठे हुए हैं, इसको हटा के दिखाते हैं अंडा। ये देखिए आपको अंडा दिख रहा होगा इसमें, ये देखिए, ये देखिए अंडा हमारे लक्के कबूतर, इन्होंने आज ही अंडा दिया है। अब ये कल छोड़ के परसों, देखिए काट रहा है, कल छोड़ के परसों इसको दो कर लेंगे, दो कर देंगे ये अंडे को। फिर अब आप लोग को हर दिन इसकी अपडेट मिलेगी, इंशाल्लाह अंडे दे दिए हमारे कबूतर ने, आज मैं बहुत खुश हूँ। एक बार पिछली बार इन्होंने अंडा दिया था, अंडा दे रखा था तो इन लोग अस अंडे में बच्चा नहीं पड़ा था, ख़राब हो गया था अंडा। और फिर अब 5 दिन के बाद अंडों की कैंडलिंग करेंगे, दिखाएंगे इसमें खून पड़ा है कि नहीं पड़ा है। अब चलते हैं नीचे, आज मछलियों का एक्वेरियम हम लोग को साफ़ करना है, बहुत ज़रूरी, बहुत गंदा हो गया वरना सारी मछलियाँ मर जाएंगी, बहुत गंदा हो चुका है एक्वेरियम। चलते हैं नीचे। अब हम आ गए हैं अपना एक्वेरियम साफ करने, पहले हम इसका हीटर बंद करेंगे ताकि हीटर ठंडा हो जाए,
फिर निकालेंगे, वरना एकदम गर्म निकालेंगे तो भाड़ पे फूटेगा। ये रहा हीटर का तार, इसको हम लोग यहाँ पे फूट देंगे। ठंडा हो जाएगा जब हम लोग उसको निकालेंगे आधे घंटे बाद। अब आधे घंटा हो चुका है, अब हम चलते हैं अपना हीटर और लाइट सब फिल्टर विल्टर निकालने। ये दो पैकेट दाने के मैंने एडवांस में रख रखे हैं इसके लिए, आगे रखते हैं, सब हटाते हैं पहले यहाँ से। बहुत गंदा हो रहा है, सब पीछे की इसकी वो है सजावट, और ये इनकी दवा है एंटीवायरस, एक दवा मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ खो गई। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये हमने हीटर का तार निकाल लिया, ये इसका ऑक्सीजन का वो है, इसको निकाल के यहाँ रख देते हैं पीछे, और ये जो है इसको यूँ ही हम हटा देते हैं पीछे की तरफ। ये हट गया और हम इसके हीटर को निकाल लेते हैं। इतना गंदा हीटर हो गया, हीटर की गंदगी देखिए कितना गंदा हो चुका हीटर। पता नहीं इसमें कुछ नमक समक से जम गया पानी का, इसको भी साफ करेंगे धीरे धीरे, अचानक से नहीं खोल सकते कि फूट फाट ना जाए कहीं। गंदा हो गया, फिर धीरे धीरे रगड़ेंगे, धीरे धीरे रगड़ेंगे तो साफ हो जाएगा ये। अब हम अपनी फिश निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं आप लोग को फिश निकाल के। हम लोग इसी में से पहले पानी निकालेंगे क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है मछली इसी में इसी टेम्परेचर में अभी फिट है। बाद में हम लोग क्या कहते हैं इसी टेम्परेचर का पानी बनाएंगे, थोड़ा गर्म करके डालेंगे इसमें, ताकि एकदम से अगर मछली का ठंडा गर्म टेम्परेचर हो तो मछली मरने के डर ज़्यादा रहते हैं। पहले इसमें से पानी निकाल के उस पानी का ही टेम्परेचर मिलाएंगे हम लोग, और इसको हम लोग यहाँ रख लेते हैं, इसमें मछलियाँ डालेंगे धीरे धीरे पकड़ पकड़ के। एक गोल्डन फिश आ गई, ये देखिए इसको हम लोग इसमें डाल देते हैं। ये हमारी शिवांगी, इसको हम लोग इसमें डाल देते हैं। ये हमारी एंजल फिश है, सब उछल जा रही हैं, जल्दी से पानी डाल देते हैं। अब हमारी सारी मछलियाँ बाल्टी में आ चुकी हैं और हमारा एक्वेरियम एकदम खाली, कितना गंदा है ये देखें। अभी हम इसको क्लीन करेंगे, क्लीन करके दिखाएंगे आपको। बहुत गंदा हो रहा है, कितना गंदा है, अभी से साफ करेंगे हम लोग पहले। धीरे धीरे हाथ से रगड़ देंगे पहले, करके हाथ से लगा पूरे में पाँच मिनट के लिए छोड़ देंगे, इस तरीके से लगा के 5 मिनट के लिए रहने देंगे, ताकि जितनी भी काई है तब काट देगा ये। इसको ऐसे लगा के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। पानी हमने थोड़ा सा पानी भर लिया, पानी इतना पानी भर लिया, अब इसमें हम लोग पत्थर डालेंगे। तब इसके स्टोन बहुत गंदे हो गए, नमक
सब सामान निकाल लेते पहले, फिर इसको धीरे धीरे रख लेंगे। इसमें नीचे जाना है, अब हमारा एक्वेरियम साफ हो चुका है। अब इसमें नए पत्थर डालेंगे लाके, एक मछली मरने की कगार पे आ रही है। जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग काम, पलटी जा रही है वो। अब जल्दी जल्दी काम को करते हैं, काम को करके पत्थर डाल के इसमें, फिर जल्दी से मछली को इसमें डाल देते हैं। अभी पानी भी गर्म करना पड़ेगा क्योंकि पहले वाला पानी गर्म था। अब हमने इसमें पत्थर भी डाल लिया है, सेट कर दिया था पत्थर। अब इसमें पानी भरेंगे, ताज़ा पानी भरेंगे। अब इसमें हमने हीटर भी लगा दिया है, एयर भी लगा दी है। अब मछलियों को डालते हैं, एक एक मछलियों को पकड़ते हैं और डालते हैं। ये देखिए बहुत तेज मछलियाँ भागती हैं, और ये देखिए एक नुकसान और हो गया। ये मछली पानी टेम्परेचर चेंज हुआ, उसमें सर्वाइव नहीं कर पाई, बेचारी मर गई। मैंने जैसे कि शुरू वीडियो में आप लोग को बताया था कि पानी का टेम्परेचर अलग होते ही ये मछलियाँ मरनी चालू हो जाएंगी, तो ये वही हुआ। एक नुकसान फिर चलिए, जो लिखा होता है नुकसान वो तो होता ही है, तो नहीं जीते मरते रहता है जानवर। तो नहीं, अब इसमें हम लोगों ने गर्म पानी मिला लिया, टेम्परेचर बराबर कर लिया है। अब जो मछलियाँ बची हैं उसको इनमें से निकाल के उसमें डालेंगे हम लोग। पास ला के दिखाओ, वो हाथ तक समझ नहीं आता। बड़ी तेज, ये शार्क बड़ी तेज होती हैं। ये देखिए नीचे गिर गई, जल्दी जल्दी पीली हो गई। तो अभी एक कलर, जैसे पानी का टेम्परेचर चेंज होता है वैसे कलर चेंज कर लेती है ना, तो इसकी वजह से पीली हो गई। थोड़ी देर में काली हो जाएगी, फिर से ब्लैक शार्क थी वो। ये हमारी एंजल, इसको भी छोड़ देते हैं इसी में। ये हमारी शिवांगी, क्योंकि एक बार पूछो चेक कर लेते हैं कभी कीड़े लगते हैं, ऐसे है नहीं कोई चक्कर हमारी। जी क्लीन हो गया हमारा एक्वेरियम, ये देखिए आप। अब एक मछली इसमें कम हो गई है, अब चलेंगे उसको हम लोग बाहर, इसका कवर खोद के दबा देंगे। और ये मच्छी है, इसको दबा देंगे कवर में। चलिए कवर खोदते हैं, जिसान मछली की कवर खोद रहे हैं आप। अब यहाँ कवर खुद चुकी है, अब जिसान मछली को उसमें दबा रहे हैं। तो चलो ढक दो, चलो। हेलो गाइस, आज हमारा फिर एक मजीद नुकसान हो गया। मछली का एक्वेरियम साफ करते हुए फिर से हमारी फिश मर गई है। कुछ ना कुछ नुकसान रोज़ आना नुकसान, कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, होता है, ये सब तो होता रहता है, ज़िंदगी में चला करता है। मजीद नुकसान होते रहते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी जानवर जो हैं अपने मरते हैं तो फिर दुख तो होता ही है। वैसे आज की वीडियो में इतना ही। अब आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।